वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल मैं वापस आ गई थी घर, क्योंकि 4 दिन का हमारा था। मैंने बताया था 4 दिन के लिए जा रहे हैं, बट कल का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एकदम आई दीदी मेरे साथ आ गई थी यहीं पे सबसे मिलने के लिए। तो फिर कल दीदी आई, हम लोग आए थे यहाँ पे 3 बजे, और उसके बाद में हम लोग बस थोड़ा सा खाना वाना खाया, फिर सो गए। एंड उसके बाद में दीदी को कल 4:30 बजे ही निकलना था, बट वो नहीं गई। वो आज सुबह मॉर्निंग में गई थी 5 बजे। कंटिन्यू हमारे ब्लॉग देखे ही थे। और आज फिर मैं, मतलब कल रात में जब घर आ गई, तो फिर ये हुआ कि कल से शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग पे, क्योंकि आप लोगों को पता है शादी में 1 महीना रह गया है। शादी जनवरी में है तो बस 1 महीना रह गया है, तो हमें शॉपिंग भी करनी है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तभी होगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग पे। कौन कौन जा रहा है ये देखते हैं अभी आगे, कौन कौन जाता है। बट आज हम लोग शॉपिंग पे जाने वाले हैं, और मुझे थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो पहले डॉक्टर के यहाँ जाएंगे एंड उसके बाद शॉपिंग पे जाएंगे। कौन कौन जाता है वो अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, और क्या लेने जा रहे हैं ये भी अभी आप आगे देख। तो गाइज हो गए हैं रेडी, आ गए पतिदेव, पापा जी भी आ गए हैं। तो मैं, मम्मी, पापा, ये हम चारों जा रहे चारों हैं जा शादी रहे की हैं। शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। मैंने बता दिया था वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ये स्कूल आ से आ गई, गई हैं, स्कूल से आई है, स्कूल से। झाड़ू मार के स्कूल। तो गाइस चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। ओके चल। हाँ चलो, और आज से शादी की जो तैयारियां स्टार्ट होने वाली, कार्ड छप क्योंकि के आ अभी गए हैं, कार्ड दिखाएंगे हम आपको। कार्ड्स भी आ गए हैं। और क्या है अभी, और कुछ तो नहीं आया है फिलहाल अटैची तो, आ गए, अटैची। और कुछ चीज तैयारी, मतलब अब लग रहा है कि शादी वाला घर है, क्योंकि अब वो हाँ, सारी अब तैयारियां प्रिपरेशन स्टार्ट धीरे हो गई धीरे हैं, करके हो जाएंगी। लास्ट टाइम तक कुछ ऐसा रहेगा नहीं ताकि हबड़ दबड़ मचे, तो चलते हैं तो फिलहाल चलिए मार्केट। देखते हैं। इतनी साड़ी, सूट, मम्मी। इसका नंबर बाद में लगाऊंगा, अगर शुरू में डाल दो तो ये नहीं पसंद आएंगे फिर। हाँ केवल 1885 ये बढ़िया लग रही है ना। और लगेगी 2200-2300 की साड़ी पहन रखी है। ये रेड वाली लो भैया, निकाल लो रेड वाली। नेट में कलर, नेट में लाइट कलर ज्यादा आते हैं क्योंकि फैब्रिक लाइट है ना, ये भी लाइट आई है। तो दोनों में उड़ा लो, ये लाइट आई है, ये देखिए रेड अच्छी है इसकी। ये प्यारा लग रहा है। रेड अगर वो करना चाहेंगे तो इसमें ये कर लेना, चॉइस कर लेना आप, इसमें छाड़ लो। ये सारी वैसी नहीं है जो मैंने लिए तीजो पे। ये रुकने पर हल्का कलर नहीं, डार्क कलर पहनेंगे मम्मी। डार्क कलर मम्मी, ब्लैक ले लें, ब्लैक। मम्मी की साड़ी चूज करी जा रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अभी। अपनी साड़ी चूज करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई मम्मी है ना। ये मल्टी कलर में आई है, नई साड़ी। मैंने साड़ी लगी आपके पर पहन के आने के लिए, लेकिन मेरे कहने को यकीन नहीं, साड़ी हफ्ते में अलग लग रही है, कलर मेरे बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ऐसा नहीं सुनते बड़ा, इसकी वैल्यू लगती है पहन के। ये तो है। ये किस रेंज में है ये वाली? ये 22 के आसपास होगी। ये किस रेंज में? साड़ी बहुत गजब है भाई साहब, कुछ अलग लगेगा इनको पहन के। 2295 नहीं, और बहुत दिखाऊंगा बाद में। 6 नंबर उधर का ड्रा मम्मी की भी हो गई, अब मैडम की बारी आई है। मैडम डिसाइड करेंगे अपने लिए साड़ी। अब ये एक्साइटेड हो गई है बहुत ज्यादा, जैसे जैसे बारी आ रही है सबके सबके चेहरों पे हंसी आ रही है। आवाज बहुत आ रही है। रेड कलर में खोलो, रेड टाइप में खोलो, रेड कलर में खोलो।
तो गाइज यहाँ पे मैं ये साड़ी वेयर करके देख रही थी, मतलब ये लगा के देख रही थी ये कौन सी मेरे पे ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ पीस मैं सिलेक्ट कर रहे थे तो उनमें से ही एक मैंने ली है जो आगे देखने के लिए। पापा पेट्रोल लगवाने गए शायद। दुपट्टा भी अच्छा है। एक ही लेना उसकी भी आ गई ये वाला। और दिखा दो आप। और दिखा दो इसको। साड़ी की और अपने सूट की चुनरी उनरी की जो भी शॉपिंग होनी थी वो गई। अब खरीदना हमें कॉस्मेटिक का सामान, तो हम आया चूड़ी वाली गली में, तो हम अंकल से ही लेते हैं सारा सामान। तो अंकल क्योंकि बिल्कुल सही प्राइस में देते हैं, तो मम्मी भी आ गई हैं। सामान लग रहा है हमारा, अब शॉपिंग चालू हो गई। शॉपिंग स्टार्ट हो गई और मम्मी ने भी अपनी साड़ी लिया। बिल्कुल आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी अपनी साड़ी लेने के टाइम पे। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं साड़ी। तो गाइस सूट और साड़ी लेने के बाद में हम लोग आ गए थे उसके लिए मेकअप किट रेडी करवाने के लिए। तो फिर ये मेकअप किट ली थी यहाँ पे और इसमें मेकअप रेडी करवाया था। तो ये सारा मेकअप हमने चूड़ी वाली गली में से लिया था, टाउन हॉल पे है चूड़ी वाली गली, तो वहीं पे है ये। मंदिर के बिल्कुल जस्ट साइड में एक शॉप है अंकल की, उन्हीं से लेते हैं मोस्टली, क्योंकि रेट वाइज भी सही है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, तो हम इन्हीं से लेते हैं। तो ये हमें मम्मी यहाँ पे ये किट सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी किट लेनी है, थोड़ा बड़ा स्पेस में अच्छी लगती है, मतलब स्पेसफुल अच्छी लगती है कि सारा सामान आराम से आ जाए। तो ये हमने किट कर दी थी फाइनल पिंक कलर की और इसमें फिर हम लिपस्टिक वगैरह देख रहे थे। यहाँ अंकल बोल रहे थे कि बोलानी बड़ी लकी है आपकी, तो यहाँ पे इसलिए हम हंसे थे। और फिर पापा वगैरह सब बताते जा रहे थे क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कोई कोई बता देता है हम भूल जाते हैं, तो वो सब याद दिला रहे थे कि कौन कौन किसको मतलब कौन कौन सा सामान लेना है। तो ये यहाँ पे हम लिपस्टिक चेक कर रहे थे और नेल पेंट वगैरह देखी है। तो नेल पेंट अंकल ने बिल्कुल लोकल सी दिखा दी थी, तो मैंने बोला थोड़ा अच्छी सी नेल पेंट दिखाई है। तो फिर यहाँ पे ये टिनटिन दिखाई थी, तो ये हमने टिनटिन की नेल पेंट ली थी अंशी के लिए। और मतलब ऑलमोस्ट अंशी की शॉपिंग हमने उस दिन कंप्लीट कर दी थी, बाकी जो छोटा मोटा रह गया था वो हम बाद में ले आए थे। कॉस्मेटिक सारा हो गया, मेकअप का और सूट साड़ी सब हो गया, अब रह गया पर्स है ना। तो गाइस हम लेने आ गए थे पर्स, और पर्स में ऐसा दिख रही थी कि साड़ी वगैरह के साथ सूट वगैरह के साथ सबके साथ चले। वो साइड बैग वगैरह तो मतलब जींस के साथ चलते हैं, थोड़े बड़े बैग वो आजकल कोई भी नहीं लेना चाहता, तो ये पार्टी वेयर बैग थे कि साड़ी पे लहंगे पे सूट पे सब पे अच्छे लगते हैं। तो इन्हीं में से मैंने एक पर्स सेलेक्ट किया था। और हाँ, सारा सामान मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब शादी के बाद जब अंशी की अटैची खुलेगी तब मैं आपको सारा सामान दिखाऊंगी। अभी मैं कुछ भी नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर मैं अभी दिखाऊंगी तो अंशी को भी सब दिख जाएगा, तो थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। अच्छा लगता है जब नया नया सामान जब एकदम दिखता है, पहले से पता हो तो थोड़ा क्रेज नहीं रहता है, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को भी नहीं दिखाऊंगी और आप लोगों को भी थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी। तो जब अंशी जब घर पे आएगी और अटैची खुलेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। करने के बाद आ गए थे घर और उसके बाद तेज सर में दर्द होने लगा था कि मैं आते ही सो गई। मम्मी भी, मम्मी सोई नहीं? मैं तो सोई भी नहीं। मम्मी नहीं सोई, चाय बनाने में लग गए, पापा को जाना था। मैं तो आते ही सो गई, इतने तेज सर में दर्द हो रहा था ना, नींद आ गई। और ये हमारी शादी की नहीं, सहेलिया की शादी के कार्ड हमारी शादी के कार्ड अभी ऐसे पता नहीं चलेंगे कैसे हैं, बट अभी जब इनको हम पूरा रेडी करेंगे तब आपको दिखाएंगे। हाँ, पिन्नी नहीं आई अभी, उसने नहीं दी है, आएंगी। तो अब गाइस अब बनना है हमारे आलू मटर टमाटर की सब्जी और बथुए के पराठे और बथुए का रायता। सौ रुपए की क्या? हाँ मुझे याद आ गया, वो अलग से आती है, मैंने उससे जबरदस्ती ली थी। अभी से देखो इनको मैं छोटी बहू रानी याद आ रही है। अरे जीना ये और देखो कितने बाल रखे हैं ये। अरे बाल मम्मी पिघड़ गए, मैं सो के उठ के आई हूं, काड़े नहीं। आओ लो 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 लो। ये बथुए का मेथी के पराठे, बथुए के पराठे है ना। फिलहाल मैं आटा लगा दूं एंड उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस आटा वगैरह मल दिया, खाना बना लिया और हम खेल रहे हैं लूडो। लूडो जो कि बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं और साथ में अमरूद। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन।
हम तो दोनों से खोलते हैं भाई। तीन तीन उसको सेकंड वाले को 5 रुपए, पहले वाले को 10 रुपए और तीसरे वाले को 2 रुपए। मम्मी इसके लिए कम छह के बाद पे आता है तो 2 खुल जाती है। पैसे ना खुलती है। अरे क्यों नहीं खुलती? हम तो खोल दे छह। अब खेलो अनफिनिश खेला। चीटिंग बाज कितने बड़े हैं चीटिंग बाज। जीता कौन? मैं जीती और इन लोगों ने पूरा गेम ही बिगाड़ दिया। ये मैं जीता हूँ। मैं जीता भैया। कोई ना जीता, सब जीता है। तो गाइस ये माँ बेटे तो लड़ रहे हैं और फर्स्ट में आई लूडो में ये सबने पूरा गेम ही खराब कर दिया। साहिल भाई आ गए, बाबा नहीं आए, बेटे चाचू आए। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अच्छे अच्छे शादी वाले ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय।